तो फाइनली हमारा शुरू हो गया है रणोत्सव की जो टेंट सिटी हमने बुक करवाई थी उसका पूरा पैकेज। खाना खाने अभी जा रहे हैं अंदर लंच करने, तो अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसे हो? तो जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि हमने स्वादिष्ट भरपेट लंच कर लिया है और अभी हम हमारे टेंट की ओर जा रहे हैं जहां पर हमें लगेज मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्लस्टर एच आ गया है।
तो हम अपने एच क्लस्टर में आ गए हैं और हमारा टेंट नंबर है 18। लंच करी ने आवे तो 18 नंबर का हमारा टेंट हमें बिल्कुल सामने दिख रहा है और हमारा लगेज भी वहां पर पड़ा है। तो हमारे साथ एक अटेंडेंट भी है साथ में हमें दिखाने को, सारा कुछ हमें टेंट के बारे में बताएंगे। तो चलिए बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ टेंट में क्या होता है, कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं टेंट सिटी के टेंट में। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डिस्कवरिंग न्यूज। फाइनली हम जिसके लिए बहुत एक्साइटेड थे, टेंट सिटी में हम आ पहुंचे हैं। सुबह से 10 बजे से हमने रेलवे स्टेशन से, जैसे हमने आपको बताया था, हमने जर्नी शुरू की थी, हम आ गए हैं। हमारा ये है एच क्लस्टर नंबर है एच, और एच में 18 नंबर का हमारा ये टेंट है। और ये है हमारा डिलक्स एसी स्विस कॉटेज है। और यहाँ पर क्या क्या है, क्या फैसिलिटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है हाफ सी में, बीच में ये फैमिली गैदरिंग का बनाया हुआ है। यहाँ पर आप बैठ सकते हो फैमिली, रात को किसी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए बनाया हुआ है। बीच में भी अगर आपका बड़ा फैमिली हो तो वहाँ पर भी बैठ सकते हो। उसके पीछे जो एक टावर जैसा दिखाई देता है, वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी होती है। वो तो हम जैसे जैसे जाएंगे आपको बताएंगे कि आगे क्या क्या है। तो चलिए आपको हमारे स्विस टेंट की सैर कराते हैं। यहाँ पर एक रिक्लाइन चेयर है, ये फानस दिया गया है लेकिन उसमें लैंप लगा है। तो यस, वेलकम टू आवर स्विस टेंट। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, वेलकम किट दी हुई है, पूरा टी कॉफी का है, अच्छे से इसको हाइजेनिक से पैक किया हुआ है। टी कॉफी है, ये वाइटनर है, उसके बाद शुगर वगैरह भी है। तो ये है, और ये तो हमें कवर दिया हुआ था, जैसे ही हम बाहर से एंट्री लेते हैं तो ऐसे कवर देते हैं, तो वो सारी डिटेल मैं आपको बाद में बता दूंगी। और ये सारा यहाँ पर हेल्प वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे दो चेयर आएगी, एसी भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक केटल भी है अगर आपको पानी गर्म करना हो या टी कॉफ़ी यहीं पे बना के पीना हो तो भी है अरेंजमेंट। ये चार्जिंग पॉइंट भी है, तो इस तरह से देखिए अच्छे से कैसे क्लैंप में लगाया हुआ है। तो ये भी है कि ये है, ये लगेज वगैरह रखने के लिए बेंच बनाई हुई है, हमारे टॉवल्स है। इस तरह के छोटे छोटे विंडोज है पूरे टेंट में, चारों चार बाजू है। देखिए बहुत ही क्यूट है, एक आपको खोल के दिखाती हूँ। ऐसे ये पूरा रोल होगा, ऐसे ये पूरा रोल होता है और यहाँ पर आपको लगा देना है। तो आप, और वो बाहर की साइड है तो आप बाहर का भी देख सकते हो। लेकिन एसी है इसीलिए हम ये क्लोज रखते हैं। बेड देखिए बहुत ही अच्छा, और ये वैसे डबल बेड है लेकिन आप देख सकते हो कि उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी अच्छे से दी गई है। तो मुझे लगता है कि अगर दो को भी एक ही बेड में एकोमोडेट करना है तो कर सकते हैं। कुशन भी अच्छा है, यहाँ पर ये लैम्प भी दिया हुआ है, लैम्प का अलग से यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है। अगेन मॉस्किटो रेप्लिकेंट भी यहाँ पर है, तो वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
भी बहुत ही अच्छा है, कारपेट बिछाई हुई है यहाँ पर, नीचे भी सारी कई जगह से ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कुछ नीचे से आ जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए वॉशरूम दिखा देती हूँ आपको। वॉशरूम भी देखिए कि इन्होंने क्या किया है, ऐसे पक्के बनाए हुए हैं ये विट्रीफाइड टाइल्स को लगा के, इस तरह से जैसे आप बोलते हो कि स्कॉल्टिंग की हुई है और अच्छे से ये पानी वगैरह कैसे आता होगा, यस पानी आता है, तो मिरर है और काफ़ी बड़ा है, आप पूरा हाफ अपना पोर्शन देख सकते हो, तो आप वो तैयार हो सकते हो। ये भी पैक है तो ये भी अच्छा है। कमोड, एक नाइट लैम्प भी यहाँ पर दिया हुआ है। और ये सावर पैनल देखिए इस तरह से पूरी लगाई हुई है और ये टेलीफोन सावर बनाया है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। छोटी सी विंडो यहाँ पर भी बनाई है और अपने टॉवल वगैरह या भी कुछ यहाँ पर कपड़े वगैरह रखने के लिए भी ये स्टैंड बनाया है। या तो ये डोल वगैरह काफी कूल है, तो इसका आपने देखा कि कितना कूल है, बहुत ही बढ़िया है ये सब कुछ। और हम वीडियो में आपको पूरी, जब आप अपनी हमारी जो सीरीज देखेंगे उसमें देखेंगे कि खाना कैसा है, कैसे कैसे हम एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये सब कुछ ये स्टे के साथ हमने जो ये डिलक्स एसी स्वीट्स कॉटेज जो लिया है ये टेंट, वो हमें पड़ा है 8,000 पर पर्सन पर डे। तो बाकी का जो भी है हम साइट उसकी जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि पूनम जब भी आती है तो पूनम का जो नज़ारा होता है खास करके चंद्रमा को देखने के लिए, तो वो जो है रोशनी वगैरह सफ़ेद रण में उसका कुछ अलग ही नज़ारा होता है, तो उसका रेट्स यहाँ पर अलग रहते हैं और यहाँ के अलग रहते हैं, तो आप वो अपने हिसाब से चेक कर लीजिए आपको कब आना है यहाँ पर। और अगर हम ऐसा रेकमेंड करेंगे आपको और एकदम ये कहेंगे कि अभी तो हमारी टूर की शुरुआत हुई है, लेकिन अगर आप कच्छ आते हो और रन वाइट रन आप अपनी आइटनरी में इंक्लूड करते हो, तो आपको ये टेंट सिटी का थोड़ा बजट बना के, लेकिन यही आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका कुछ और ही मज़ा है, और वो सिर्फ आप देख के वापस जाओगे तो उसका कुछ अलग रहेगा, तो ये डेफिनेटली आपको ये यादगार रहेगा, तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए हमारे साथ रन के रंग में रंग जाने के लिए शुरू हो जाइए।